कुंभ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 6 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि भाजपा विधायक धान खरीदी पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने भी विपक्षी विधायकों से हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रखी है। साथ ही पहले दिन ही दिवंगत नेताओं को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। भाजपा ने धान खरीदी को लेकर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। कानून नाम की चीज नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जब सुरक्षित नहीं रहा, कलेक्टर का बंगला सुरक्षित नहीं रहा, रोज चोरियां हो रही हैं, इस प्रकार की घटनाओं से पूरे प्रदेश में असुरक्षा का भाव है। इस विषय को लेकर बात होगी। दूसरे मुद्दे शराबबंदी को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाले खुद कटघरे में गिरते जा रहे हैं। एक मुद्दा उस विषय और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, किस तरह से देखा जाए, माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, किस तरह से देखा जाए, पहले दिन ही हंगामे के आसार जो नजर आ रहे हैं, क्या कुछ वजह रही जो ये हंगामा उठा है? देखिए, जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ का जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है, 6 दिसंबर तक ये जो पूरा सत्र है वो चलेगा और इसके लिए जो तैयारी है वो दोनों ओर से की गई है। खासतौर पर देखा जाए तो इन लगभग 6 दिसंबर तक कुल 10 बैठकें होंगी और इसमें हंगामे के आसार साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन जो दिवंगत नेता हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और इस साल का दूसरा और अंतिम अनुपूरक बजट सरकार पेश करने जा रही है। ये कितने का बजट होगा नहीं किया गया है, और जैसे ही आज अनुपूरक बजट पेश होगा ये सबके सामने आ जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण होगा सरकार के लिए और जनता के लिए, क्योंकि साल का अंतिम अनुपूरक बजट यह होगा। इसके अलावा भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ऐसे तमाम मुद्दे उनके पास हैं जिसके माध्यम से वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, चाहे वो धान खरीदी का मुद्दा हो, चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो। खासतौर पर जिस तरीके से राजधानी में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, लगातार यहाँ पर हत्याएं और लूट की घटना हो रही है, तो उस सभी मुद्दों को उठाने की कोशिश बीजेपी करेगी। लेकिन पहले दिन की बात की जाए तो जो धान खरीदी का मुद्दा है वो वहां पर गरमाएगा। किसानों के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। बीजेपी जी, क्या लगता है, जिस तरह से धान खरीदी का मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्या लगता है आज को इसका समाधान निकल पाएगा क्या? देखिए, धान खरीदी का जो मुद्दा है उसको लेकर दोनों पार्टियों में जंग छिड़ी है। अभी जो कांग्रेस है सरकार में है वो लगातार जो यहाँ के सांसद हैं बीजेपी के उनका घेराव कर रही है। पहले यहाँ पर जिला स्तर पर किया गया, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर लगातार सांसदों का घेराव कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बार बार कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री को 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, मिलने का समय वो मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। सीधा आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा हुई थी उनमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात प्रमुखता से कही थी कि किसानों के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। हर हाल में 2500 रुपए में सरकार धान खरीदेगी। हालांकि कुछ दिन पहले जो यहाँ के कृषि मंत्री हैं रविन्द्र चौबे, खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तीनों ने खाद्य मंत्री से मुलाकात भी की थी और उस समय खाद्य मंत्री जो हैं केंद्रीय खाद्य मंत्री उन्होंने भरोसा दिलाया था, लेकिन भरोसा सिर्फ एक तरीके से हवा हवाई वहां पर दिया गया था, किसी प्रकार की ठोस जो बात है वो केंद्रीय मंत्री के द्वारा नहीं की गई थी। तो लगातार जंग धान खरीदी के मुद्दे को लेकर छिड़ी हुई है और लगातार कांग्रेस की सरकारें मांग कर रही है कि सेंट्रल पूल में चावल की खरीदी केंद्र सरकार करे। वाकई जंग तो छिड़ी हुई है हेमंत, पर देखा जाए तो भूपेश बघेल ने अभी भी ऐलान किया था कि अगर केंद्र नहीं भी खरीदती है तो हम इसका समाधान खुद निकालेंगे और किसानों से खरीदेंगे, और जिसका भार भी कुछ अमाउंट भी निकल करके सामने आया था, तो वो भी हम चाहेंगे आप बताएं क्या कुछ अमाउंट वो था जिसका भार सरकार पर पड़ेगा, और अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो आगे का स्टेप क्या होगा? देखिए, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार नहीं करती तो सीधा बात
निश्चित तौर पर राज्य सरकार पर ही पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही काफी कर्जे में जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो चल रही है। और एक जो जानकारी हमें निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार अगर केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में चावल नहीं खरीदती तो कर्ज लेकर 2500 रुपए में जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के किसान हैं उनका धान खरीदेगी। समाधान यहाँ पर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि केंद्र सरकार अगर किसानों के साथ अच्छा नहीं करती या किसानों का चावल नहीं खरीदती तो अपने तरीके से किसी भी तरीके से वो 2500 रुपए में धान किसानों का खरीदेंगे। हालांकि आने वाले समय में इसमें क्या चीजें होंगी वो तो आगे पता चल पाएगा, लेकिन अभी किसी भी तरीके से केंद्र सरकार की ओर से ये जवाब नहीं आया है कि वो सेंटरपुल में चावल की खरीदी करेगा। लेकिन बार बार जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार आग्रह कर रही है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाएगा। अगर रास्ता नहीं निकलता तो कांग्रेस की सरकार दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि पूरे प्रदेश से किसानों से चिट्ठियां मंगाई जा रही हैं। वो चिट्ठी यहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उनको मिल गई है, उन चिट्ठियों को इकट्ठा यहाँ पर किया जा रहा है। उन चिट्ठियों को लेकर वहां पर दिल्ली जाया जाएगा और दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की सरकार करेगी अगर केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में चावल नहीं खरीदती है। बाकी हेमंत आप लगातार नजरें बनाए रखी, जिस तरह से पहले दिन ही हंगामा जो है शुरू हो गया है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ समाधान निकल करके आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।